क्या आप भी फ़ोन चलाते हो और एट द एंड आपके आईज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। क्या आपके साथ भी ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होना, आंखों में बहुत ज़्यादा पफिनेस हो जाना या फिर आईज में पेन होना, और डार्क सर्कल्स हो जाए तो वो आसानी से जाते हैं नहीं? जी हाँ, और आजकल के जो डार्क सर्कल्स है ना, वो 5 साल के बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। जंक फूड खाना, टाइम से नहीं सोना, बहुत ज्यादा फोन चलाना या फिर टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप के पास बहुत ज्यादा देर तक रहना, और कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन के बिना तो काम भी नहीं हो सकता है आजकल। सो डार्क सर्कल्स तो होगा ही, और मुझे भी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स था, और मैंने इसको DIY से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अभी उतनी ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, फिर भी कभी कभी नींद पूरा नहीं होने की वजह से मेरी आईज बहुत ज्यादा पफिनेस हो जाती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो इतने सारे लाइट्स की वजह से ना मुझे भी पेन होता है आईज में। बट मैं एक ही रेमेडी करती हूँ जिसके वजह से कम 2-3 दिन में मेरे जो पफिनेस है या फिर पेन है या फिर डार्क सर्कल्स है बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी हाँ, डार्क सर्कल्स आपके 2-3 दिन में, अगर मैं जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेगुलर 3 दिन अप्लाई करते हो, तो आपका जो डार्क सर्कल्स है वो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगा। एंड अगर बहुत ज्यादा बहुत पुराना डार्क सर्कल्स है तो आप कंटिन्यू 1 वीक तक ट्राई करो, एंड आपका जो डार्क सर्कल्स है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड पफिनेस की प्रॉब्लम है, बहुतों को बहुत ज्यादा पफिनेस की प्रॉब्लम होती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको खत्म करना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है अगर पफिनेस हो या फिर बहुत ज्यादा रिंकल्स हो तो। सो वो प्रॉब्लम भी गायब हो जाएगी। सबसे पहले देख लो इस रेमेडी को बनाना कैसे है, देन हम यूज करते हैं इसको। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए ग्रीन टी, जो ये मैंने यहाँ पे एक पैकेट पूरा ले लिया है ग्रीन टी। एंड देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कॉफी पाउडर 1 चम्मच के करीब, क्योंकि थोड़ा सा फिर बाद में भी मैंने इसमें मिक्स किया था, जैसे कि ये रहा। एंड देन यहाँ पे एलोवेरा जेल 1 चम्मच के करीब मैंने पहले मिक्स किया था। जब मिक्स ना हो तो आप मिक्स करो, ज़्यादा मत मिक्स करो वरना इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। उसके बाद एक विटामिन ई कैप्सूल, जी हाँ, इसमें हम मिक्स करेंगे। एंड देन यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतला मत करना वरना वो बहुत ज़्यादा गिरने लगेगा आइस के पास लगाओगे तो। तो यहाँ पे बिल्कुल मिक्स हो गया, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया इस रेमेडी को बनाना कैसे है। लुक एट दिस, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा लग रहा है। एंड इसको बनाना बहुत इजी है। जो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए हैं वो सब घर पे अवेलेबल होते हैं। एंड अगर आप इसको बना के रखना चाहो तो फ्रिज में रखो, ताकि ठंडा ठंडा लगाने से और ज्यादा आपका 2 गुना ज्यादा वर्क करेगा। सो आप एक ही बार में बना लो एंड 2-3 दिन के लिए उसको फ्रिज में रख दो, एंड आप जब भी अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। दिन में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल या फिर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके आईज को हार्म करे। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, आप लोग जान लो कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जिससे हमारे जो डार्क एरिया उसको बहुत जल्दी लाइटन अप करता है। एंड जितने भी, अगर आप इसका इंटरनल सेवन करते हो ना तो भी आपको बहुत जल्दी वर्क मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होता है, आपके एजिंग लाइन नहीं पड़ते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा दिमाग ठंडा भी रहता है, फ्रेश रहता है, आपके जितने भी रिंकल्स हैं ना इस पैक को लगाने से बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉफ़ी भी मिक्स है, विटामिन ई कैप्सूल भी है। विटामिन कैप्सूल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है कि उसके कितने फायदे हैं। कॉफी की वजह से हमारे डार्क एरिया बहुत जल्दी लाइटन अप हो जाते हैं। सो इन सारे चीजों को हम बस 15 मिनट रखेंगे और उसके बाद वॉश कर देंगे इसको। सो यहाँ पे मेरे 15 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं इसको जस्ट सिंपली रिमूव करूंगी। मैं इसको ना ही पानी से रिमूव कर रही हूँ और ना ही वॉश कर रही हूँ, टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको मैं रिमूव करूंगी, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। सेम मैं दूसरे आईज में भी, सेम मैं दूसरे आईज में भी इसी तरीके से रिमूव कर लूंगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक बोल लेंगे एंड ठंडा पानी मिक्स करूंगी मैं इसमें, चिल्ड वाटर एकदम फ्रीजर का, ठीक है। एंड इसमें मैं इस तरीके से कॉटन को डिप कर दूंगी, लाइक दिस। इसको जस्ट सिंपली हमें ऐसे निकालना है पानी पूरा, जब तक गिर जाएगा इसको हमें निचोड़ना नहीं है, थोड़े से पानी के साथ ही हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब तक इसका पानी, एक्सेस पानी गिर जाता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से, ठीक है, दोनों आईज में मैं ऐसे ही कर लूंगी।
एंड इसको हम 10 मिनट तक ऐसे रहने देंगे। आप चाहे तो आइस डायरेक्टली रब कर सकते हो, बट उससे ना हमें हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंड आइस एंड डायरेक्ट आइस क्यूब जब हम रब करते हैं ना अपने आइस के एरिया के पास तो बहुत ज्यादा ही ठंडा लगता है। सो सिंपली ऐसे चिल्ड वाटर ले लो एंड देन कुछ इस तरीके से कॉटन पैड नहीं टिकेगा आइस पे, इसलिए मैंने कॉटन डायरेक्ट कॉटन को अप्लाई किया है, कॉटन पैड नहीं टिकेगा कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद इसको हम 10 मिनट ऐसे रहने देंगे, इससे आपका जो रिंकल्स है पफिनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता है। सो इसको हम रिमूव करेंगे पूरे 10 मिनट के बाद। तो गाइस यहाँ पे मेरे 10 मिनट्स हो गए हैं एंड अब मैं इसको रिमूव कर दूंगी। सो वाह, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है एंड लुक एट दिस। सो इसको हम थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं इसी के हेल्प से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हम वॉश कर लेंगे अपने फेस को। सो मैं मिलती हूँ वॉश करने के बाद। सो गाइस यहाँ पे मैंने उसी ठंडे पानी से जो बोल में था उसी से मैंने पूरे फेस को वॉश कर लिया है एंड देख सकते हो मेरे आईज कोई भी डार्क सर्कल्स नहीं है, कोई पफिनेस नहीं है, रिंकल्स तो बिल्कुल नहीं है। आपको भी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है या फिर बहुत ज्यादा पफिनेस रहता है, रिंकल्स है, तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करो एंड कंटिन्यू आप 2 से 3 दिन यूज करोगे ना तो ही आपको फर्क दिखने लगेगा, आपका डार्क सर्कल्स गायब हो जाएगा, पफिनेस गायब हो जाएगा, रिंकल्स तो बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड अगर आपको एक्सट्रीमली डार्क सर्कल्स है तो आप 1 वीक में इसको रिमूव कर सकते हो इस रेमेडी से, जी हाँ। सो इसको ट्राई जरूर करना, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि डार्क सर्किस की प्रॉब्लम हर किसी को है, हर किसी को, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, मेडिसिन हो, नींद हो, या फिर वर्क हो, या फिर स्ट्रेस हो, किसी भी वजह से, बट डार्क सर्कल्स तो जरूर है हर किसी को। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अब मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चिल्ड्रन सी यू, बाय गाइस। एंड हाँ, कमेंट डाउन करके जरूर बताना अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है उसका वीडियो चाहते हो तो, या फिर रेमेडी चाहते हो तो कमेंट डाउन करके जरूर बताना। बाय, लव यू।